Hello everyone, welcome back to the cash budget practical question. So in the previous lecture we have solved a cash budget practical question. In this video also we'll be learning about the cash budget, some important adjustments. So cash budget ka to practical question humne last lecture mein kar liya hai, usi type ke question ko solve karenge taki is variety pe aapka ek aur grip mein aa jaye, aur wo grip ki wajah se aapke jo jitne bhi cash budget ke questions paper mein puche jate hain wo sahi ho. बेसिकली इसमें वर्किंग नोट के ऊपर ध्यान देना है हमें, सारी चीज़ें करेंगे एक एक करके. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं. तो प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे है 6 मंथ्स. तो बेसिकली यहाँ पे है 6 मंथ्स, जनवरी से जून कहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 6 मंथ्स होंगे. हैव जैन सू जून डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. सेल्स है, मटीरियल्स है, मटीरियल्स आर रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स. वी हैव वेजेस, वी हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव प्रोडक्शन कॉस्ट, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एडजस्टमेंट पढ़ते हैं ध्यान से. कैश सेल्स आर 50% ऑफ टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स 50% होंगे. असेट्स आर एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड अप्रैल, एंड प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ ₹40,000 एंड ₹25,000 टू बी मेड रेस्पेक्टिवली. क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 1 मंथ. बैंक लोन ऑफ ₹30,000 वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मे. डिविडेंट ऑफ ₹35,000 टू बी पेड इन द मंथ ऑफ जून. सेल्स कमीशन एट द रेट 2% ऑफ कैश सेल्स एंड 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स इज टू बी पेड इन द सेम मंथ. क्रेडिटर्स एंड अदर ओवरहेड्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ 1 मंथ. तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा है. पहले हम एक काम करते हैं, सेल्स को लिख लेते हैं और फिर बाकी के पॉइंट्स में जाएंगे. तो पहले हम हमारे वर्किंग नोट में सेल्स को कॉपी कर लेते हैं. जनवरी का सेल है आपका 72,000, फेब्रुवरी का सेल है 97,000, मार्च का सेल है 86,000, अप्रैल का सेल है 88,600, मई का सेल है 1,02,500 एंड जून का सेल है 1,08,700. तो कैश सेल्स इज गिवन टू यू 50%. अगर हम 72,000 का 50% देखेंगे तो वो आएगा 36,000. तो आपका बैलेंस भी बचेगा सेम 36,000. 97,000 का 50% दैट कम्स टू 48,500 ओवर हियर. सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 48,500. फिर 86,000 का 50% करेंगे तो यहाँ पे आएगा 43,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 43,000. 88,600 का अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी 44,300. सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 44,300. यहाँ पे 50% विल बी 51,250 और यहाँ पे भी आ जाएगा 51,250. यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा 54,350 और यहाँ पे भी आ जाएगा 54,350. अब अगर हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की बात करें तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए यहाँ पे 1 मंथ का क्रेडिट बोला है. तो काफ़ी सिंपल पॉइंट है, यही आपको ऊपर से कॉपी करना है क्रॉस क्रॉस. तो इसको हम यहाँ कॉपी करेंगे, दैट विल बी 36,000, देन इट विल बी 48,500, देन इट विल बी 43,000. ऊपर का ही कॉपी कर रहा है, देन इट इज 44,300 एंड फाइनली इट इज 51,250. तो यही आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है. यहाँ पे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुए बिकॉज सेम था. टोटल कर लेते हैं, टोटल भी वही आएगा 36,000, देन इट्स 48,500, देन 43,000. ऊपर का कोई वैल्यू मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा. 44,300, 1,250. तो मटेरियल्स के लिए अभी मटेरियल्स का सारा डेटा पहले कॉपी कर लेते हैं. मटेरियल्स के लिए भी 1 मंथ का क्रेडिट है, तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं. 1 मंथ छोड़ के ही आपने हमें लिखना है. मटेरियल्स क्वेश्चन में है 25,000 गिवन, फर्स्ट में, सेकंड में है 31,000, फिर नेक्स्ट में है आपका 25,500, फिर नेक्स्ट में आपको दिया है 30,600,
देन नेक्स्ट मंथ में है 37,000, देन नेक्स्ट मंथ इट इज 38,800। बस वही काम कर रहा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बिकॉज मटेरियल्स आर ऑलवेज रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स, परचेजेस आर ऑलवेज रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स, दे आर द सप्लायर्स। एक महीने का क्रेडिट है, यहाँ पे एक डैश दे दो और यही वैल्यूज को ऊपर से कॉपी कर लो। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वरना कन्फ्यूज हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन में क्या प्लस कर रहा है। कोई प्लस नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस कॉपी कर लेना है यहाँ पे, वरना आप 25 + 25 कर देंगे, गलत हो जाएगा। 25,000 ऊपर का ही एक महीने का क्रेडिट है, 31,000, 25,500, 30,600 एंड 37,000 ओवर हियर। बस अभी इसी का टोटल लिखना है, तो फर्स्ट मंथ में तो कुछ है नहीं, यही आपका टोटल बन गया, 25,000, 31,000, 25,500, 30,600 एंड 37,000। थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, सेल्स कमीशन आपको दिया है एडजस्टमेंट, 2% ऑन कैश सेल्स बोल रहा है और 5% ऑन क्रेडिट सेल्स का। सेल्स कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेल्स कमीशन उन्होंने कहा 2% ऑन कैश सेल्स, तो हमने कैश सेल्स अभी कैलकुलेट किया है 36,000 बराबर। तो 36,000 का हमें कितना परसेंट ढूंढना है, हमें 2% ढूंढना है 36,000 का एंड 5% क्रेडिट सेल्स पे। फटाफट लिख रहा हूँ अमाउंट, आप कैलकुलेट करके देख लेना, सेम ही आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट में आएगा 720, क्रेडिट सेल्स का 5% करोगे तो आ जाएगा 1,800। सेकेंड में इट विल बी 970 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2425। थर्ड में आ जाएगा आपको मार्च में 860 और यहाँ पे आ जाएगा 2150। देखो 2% कैश सेल्स पे ढूंढना है और 5% क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट कर लेना। अप्रैल में यहाँ पे आ जाएगा 886 और यहाँ पे आ जाएगा 2215। देन यहाँ पे आपको आ जाएगा 1025 और यहाँ पे आपको आ जाएगा 2563। देन यहाँ पे आपको आ जाएगा 1087 और यहाँ पे मिल जाएगा 2718। तो इट्स वेरी कैलकुलेटिव एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो, बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू कैलकुलेट 2% ऑन कैश सेल्स। तो जो भी आपके कैश सेल्स हमने अभी कैलकुलेट किए थे, उसके ऊपर 2% मैंने लिया है और जो आपके क्रेडिट सेल्स थे उसके ऊपर 5% हमने लिया। उस तरीके से हमारा कैलकुलेशंस हो चुका है। अभी कैलकुलेशंस होने के बाद इसका टोटल करना पड़ेगा, तो फर्स्ट जनवरी से शुरू करते हैं टोटल को। इसका टोटल हमारा है, फर्स्ट का टोटल आ जाएगा 2520, देन इट्स 3395, देन इट्स थर्ड का 3010, देन इट्स 3101, देन द सेकेंड लास्ट इज 3588, देन इट्स 3805। इस तरीके से हमारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं। वी हैव डन विद द कैलकुलेशंस, जो वर्किंग नोट थे। बाकी सारे पॉइंट्स के लिए उन्होंने कहा है कि एक महीने का क्रेडिट पीरियड होगा, तो एक महीने का क्रेडिट पीरियड देखेंगे क्या एडजस्टमेंट में बोला है। क्रेडिटर्स एंड अदर ओवरहेड्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। तो जहां पे भी एक महीने का क्रेडिट बोलेंगे वहां पे आपको क्या करना है, जनवरी की अमाउंट फेब्रुवरी में लिखनी है, फेब्रुवरी की अमाउंट मार्च में लिखनी है, मार्च की अमाउंट अप्रैल में लिखनी है, अप्रैल की अमाउंट मई में लिखनी है, मई की जून में, जून की जुलाई में। तो जून के बाद हमारे मंथ है ही नहीं, मतलब इस तरीके से हमें कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, एक एक महीने का क्रेडिट पीरियड लेना है। तो अभी हम कैश बजट बनाएंगे, तो ध्यान से कैश बजट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसी में मैं लिख लेता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस जो है, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको बाद में जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये आ जाए। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा फर्स्ट का दिया रहता है, ये इधर मैंने टाइप नहीं किया है। ओपनिंग बैलेंस जनवरी का आपके पास अवेलेबल है 72,500, तो नोट इट, 72,500 इज द ओपनिंग बैलेंस। नाउ लेट अस पोस्ट स्टार्ट पोस्टिंग कर दे, पोस्टिंग करेंगे हम। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ सेम वे, 72,500, ठीक है।
कैश सेल्स, तो हमने कैश सेल्स जो ढूंढे थे वही मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो हमने हमारे वर्किंग नोट में कैश सेल्स लिखे थे, तो 36,000 वर्किंग नोट में अवेलेबल है, वही से लिख रहा हूँ 48,500। देन द थर्ड वन वॉज 43,000, अप्रैल का है 44,300, मई का हमारा था 51,250, जून का है 54,350। कैश सेल्स वी हैव रिटन। नाउ द पॉइंट अराइजेस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने अभी वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये हमारा टिक मार्क है। 36,000, 48,500, 43,000, 44,300 और 51,250 को लिख देंगे। तो फर्स्ट मंथ में हमारा डैश है, तो लेट अस पुट अ डैश इन द फर्स्ट मंथ सो दैट वी कैन मूव विद द कैलकुलेशन फर्दर। यहाँ पर डैश आ जाएगा और यहाँ पे हमारे अमाउंट है 36,000, 48,500। 50-50% है इसीलिए सेम वैल्यू आ रही है। अगर 50-50% नहीं होता तो सेम वैल्यू नहीं। 44,300, 1,250। नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव अ इनकम ओवर हियर। रिसीट्स में कुछ पॉइंट है बैंक लोन का। देखो थर्ड लाइन में पढ़ते हैं, बैंक लोन ऑफ रुपीज 30,000 वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मे। रिसीव्ड का मतलब हमारे लिए पैसे इनफ्लो हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज रिसीट्स। बैंक लोन मे में मिला है, तो बैंक लोन के लिए मे में अमाउंट लिखेंगे हम। चलो तो बैंक लोन सभी कॉलम में डैश आ जाएगा। कितना अमाउंट मिला बैंक लोन का, 30,000 मिला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000, बाकी सब में डैश आ जाएगा। फिर लेस पेमेंट्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपको पता ही है फर्स्ट मंथ में डैश है, बिकॉज सबके लिए एक महीने का क्रेडिट था। यहाँ पे आपका था 25,000 मटेरियल्स का, फिर 31,000, देन 25,500, देन है आपका 30,600, देन इट्स 37,000। नाउ क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट डाला है, थोड़ा देख लेते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ सकते हैं, क्रेडिटर्स एंड अदर ओवरहेड्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ वन मंथ। अदर ओवरहेड्स की अगर बात करें तो वी हैव वेजेस, वी हैव सेलिंग, वी हैव प्रोडक्शन, वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब इसमें सब में एक महीने का क्रेडिट है। जनवरी में हमेशा डैश लिखेंगे, एक महीने का क्रेडिट होगा, तो जनवरी की अमाउंट फेब में, फेब की अमाउंट मार्च में, मार्च की अमाउंट अप्रैल में, अप्रैल की अमाउंट मई में, और मई की अमाउंट जून में, जून की अमाउंट जुलाई में, लेकिन जुलाई तो है ही नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो जनवरी की अमाउंट कितनी है वेजेस की, 10,000, तो उसको हम फेब्रुवरी में लिखेंगे। तो अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। वेजेस तो पहले मंथ में डैश मार दिया, जनवरी की अमाउंट फेब्रुवरी में 10,000, फेब्रुवरी की अमाउंट मार्च में दैट वॉज 12,100, देन इट्स 10,600। फर्दर मई में 25,000 की अमाउंट है, जून में 22,000 की अमाउंट है। फर्दर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आल्सो सिमिलर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में फर्स्ट में डैश लिखेंगे, देन बाकी जो अमाउंट है आपकी जनवरी से कॉपी कर लो। यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,500, यहाँ पे 6,700 और यहाँ पे 8,500। देन इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स सेम कंसेप्ट, फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको लिखना है डैश, देन आपका प्रोडक्शन का कॉपी करते हैं 6,000, देन 6,300, देन अगेन इट्स 6,000, देन 6,500, देन इट्स 8,000। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे अमाउंट को कॉपी कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को डैश करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,500,
एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर 1700, फिर आपका है 2000, देन 2200, देन 2500, सारे कॉपी करने हैं सेम टू सेम। सेल्स कमीशन हमने टोटल कर लिया है, वही वैल्यू लिखेंगे वर्किंग नोट से। तो हमें 2520 दिया है हमारा टोटल, फिर 3395 वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, फिर हमारा थर्ड था 3010, देन था 3101, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 3588, देन द नेक्स्ट पॉइंट वॉज 3805। देन असेट्स परचेस के बारे में एक एडजस्टमेंट है और डिविडेंड पेड के बारे में एक एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। फेब्रुवरी और अप्रैल में असेट्स परचेस का प्रोविजन करना है 40,000 एंड 25,000, 40 और 25, और डिविडेंड पेड किया है 35,000। कौन से मंथ में? जून में पेमेंट किया है, तो 40, 35 और जून में डिविडेंड का पेमेंट है, तो वो भी कर लेंगे अभी। तो असेट्स परचेस कौन से मंथ में परचेस किया था? फेब्रुवरी में, का प्रोविजन करना है। यहाँ पे डैश दे देंगे 40,000 ओवर हियर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड 25,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बाकी किसी भी मंथ में मत लिख देना डैश डैश। और डिविडेंड जो है वो हमारा लास्ट मंथ में आएगा जून में, सिंस वी आर पेइंग इन द मंथ ऑफ जून एंड दैट इज वाई इट इज 35,000। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ क्लोज करना है और क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। तो पहला स्टेप है हमारा, जनवरी का क्लोजिंग करेंगे तो जनवरी का रिसिप्ट का टोटल आएगा 1,08,500, आप करके देख सकते हैं। फिर सिमिलरली पेमेंट्स का करना है, फिर माइनस करना है, फिर पेमेंट्स का आपका टोटल आएगा, एक ही पॉइंट है पेमेंट में, यहाँ पे 2 टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट, ए माइनस बी करना है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 1,05,980। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस करके लिखेंगे, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ 1,05,980। फिर इसको प्लस कर देना, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 1,90,480। फिर पेमेंट साइड जाते हैं, पेमेंट साइड में क्या है, साइड में बहुत सारी चीज, यहाँ पे पेमेंट का टोटल आता है 89,895। तो अगर ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100,585, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस, ए माइनस बी वी आर डूइंग। तो अभी हम थर्ड मंथ में जाएंगे, मार्च में लिखेंगे 100,585, फिर इसको ऐड करना है, यहाँ पे आपको थर्ड में आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा 1,90,085। फिर पेमेंट्स का टोटल करेंगे सिमिलर वे में, का टोटल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कैलकुलेटिव है, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 59,110, ए माइनस बी है 132,975, वो हम लिखेंगे हमारे नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 132,975। तो सबको ऐड करेंगे, विल बी गेटिंग द आंसर ओवर हियर एंड दैट विल बी 2,20,175। सिमिलरली विल मूव टूवर्ड्स द पेमेंट्स, अभी पेमेंट्स का यहाँ पे आपको टोटल मिल रहा है 777,01,777,01। तो अगर माइनस करेंगे ए माइनस बी तो आएगा 142,574, दैट विल बी क्लोजिंग बैलेंस, या यहाँ पे ऊपर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा पेपर में भी टाइम लगता है। मे का हमारा बैलेंस है 142,574, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 68,124। फिर पेमेंट्स में जाते हैं, पेमेंट्स में यहाँ पे पेमेंट्स का टोटल हमें करना है, ध्यान से, पेमेंट्स का टोटल आता है 74,588,
पे हम लिखेंगे 74,588। अगर ए माइनस बी करोगे तो आ जाएगा बैलेंस क्लोजिंग 193,536। 193,536। तो इसको अब इधर लिखते हैं, अगले मंथ में जून में, जून में हमारा बैलेंस आ रहा है बैलेंस ऑफ ए 193,536। इन सभी को आपको ऐड करना है, विल गेट द आंसर ओवर हियर 299,136। देन पेमेंट्स का टोटल करते हैं, यहाँ पे पेमेंट्स के लिए हमें टोटल मिल रहा है 116,805, 116,805। यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे, यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिलेगा 1,80,331। तो दिस इज दी क्लोजिंग बैलेंस एंड इसमें कोई क्रॉस वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो ध्यान रखना कि फर्स्ट मंथ का अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस गलत रहा तो वही कैरी फॉरवर्ड होता है सेकेंड में, और आपकी मिस्टेक फर्स्ट से कैरी फॉरवर्ड होते होते लास्ट तक जाएगी। सो ओनली पॉइंट ऑफ कैश बजट इज यू शुड रिमेंबर हाउ टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स। द मेजर वराइटीज विच आर यूजली आस्क इन द पेपर, वी हैव कवर्ड ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस टू वीडियोज। तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज ये जो कैश बजट है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश बजट का जो हमने अभी इस क्वेश्चन में सीखा है। That's it from this video. Thank you very much all of you. Bye bye. Take care.